यदि पहली तीन संख्याओं का औसत 75 है तो यदि पहली तीन संख्याओं का औसत 75 है तो चौथी संख्या याद करो, चौथी संख्या याद करो, चौथी संख्या आपको याद करना है, ठीक है ना। देखो चार संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, चार संख्याओं का औसत है 40। हाँ। कितना है 40. चार संख्याओं का औसत 40 है। हाँ। तो माना कि चार संख्याएं अपन मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं ए, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी और चौथी संख्या डी। अब इन चारों को जोड़ के चार का भाग लगा दो। हाँ। चारों को जोड़ के चार का भाग लगा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, औसत। और औसत कितना दिया है 40 है ना, औसत कितना दिया आपको 40। चारों संख्याओं को जोड़ के चार का भाग लगाते हैं तो औसत आ जाता है, मध्यमान। हाँ। या औसत है ना। चलिए नीचे एक तिरछा गुणा करते हैं हम, तो हम जब तिरछा गुणा करके देखते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4 × 16 160 आ गया, 160। अब ये कहता है कि पहली तीन संख्याएं, प्रथम तीन संख्याएं, पहली तीन यानी प्रथम, पहली दूसरी और तीसरी, ये प्रथम तीन संख्याओं, पहली तीन संख्याओं का औसत कितना है 75। तो प्रश्न अनुसार, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है ये, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ये कहता है कि भैया पहली तीन संख्याएं ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ के अगर हम तीन का भाग लगाते हैं तो औसत आ जाता है, कितना आ जाता है 75 आ जाता है। औसत कितना आ जाता है 75 बटे ए। तिरछा गुणा करो तो हम देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75 का पाड़ा 3 बार, 75 दुना 150, 75 दुना 150, 150 ने फिर 75, 150 और 75 225, कितना आ गया आपका 225 है ना। तीनों पंजे 15 × 5 हाँसी लगा एक, 3 × 7 = 21 और 1 = 22, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पुट कर देंगे समीकरण एक में, जो समीकरण एक है ना आपकी, इसमें इस मान को हम रख देते हैं। देखो अभी रख के बताते हैं आपको, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 225 है ना। तो देखो ये देखिए, इसकी जगह इतने इतने की जगह, इतने इतने की जगह कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इस पूरे का वैल्यू कितना है a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है 225। इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा 225, क्योंकि इसका मान 225 के बराबर है। तो a प्लस बी प्लस सी को हटा के इसका मान रख देंगे, फिर प्लस में कितना है ये, ये प्लस में कितना है b बराबर 160। अब d हमें निकालना है तो d तो इधर ही रह जाएगा और ये 225 उधर जाएंगे तो क्या क्या हो जाएंगे, माइनस के 225। माइनस के क्यों आ रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी तो, अच्छा ठीक है जो भी आते हैं देखते हैं अपन, b बराबर कितना हो गया, माइनस का 5 × 5 12 × 6 गया तो 6, इसने किसको दिया 65, माइनस के 65 क्या आया आपका, माइनस का 65 तो चौथी संख्या होगी आपकी, तीन पहली तीन संख्याओं का औसत 75, तो 75 × 150 = 225 और चार संख्याओं का, तो 4 × 16 = 160 160 × 225, तो ये कैसे हुआ आपका यार, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये कंफ्यूजन हो गया सवाल में, इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है,
देखो पहली क्वेश्चन नंबर था आपका ये सातवां है ना, तो 160 पी तीन संख्याओं का औसत 75, औसत नहीं है गलत, मैंने तीन संख्याओं का औसत 75 लिख दिया, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, औसत नहीं योग है, ये क्या है आपका योग है भैया, मैंने गलत कर दिया, सॉरी माफी चाहूंगा, है ना, ये आपका योग है ये कितना है a प्लस बी प्लस सी बराबर 75, ठीक है ना, ये 75 है भैया, ये 75 है और ये उठ के उतर गया तो माइनस का 75 हो गया, है ना, और इस तरीके से आपका d का मान कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5, इसने किसको दे दिया 15, 15 में 7 गया तो 8, 85, ये सही जवाब आपके सामने है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका औसत से संबंधित ही है, 3, 6, 9, 6 का औसत हमें ज्ञात करना है, है ना। देखो ये पूछा गया है आपका जेएनयू जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया है ये प्रश्न, है ना, ये जो प्रश्न मैं अब करा रहा हूँ आपको, क्या नाम है इस, क्या है 3, 6, 9, 6 का औसत, इसका औसत हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो औसत का मतलब समझते हो ना आप, औसत का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल कितनी संख्या है, कुल कितने आंकड़े हैं, है ना, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही होता ना सूत्र इसका, ठीक है। चलिए तो औसत, तो 3, 6, 9, 6 1, 2, 3 and 4 कितने हो गए, ये 3 9 9 2 18 18 ने 2 20 ने 4 24 24 बटे 4 4 4 8 32 4 6 24 4 6 4 6 24, औसत कितना आ गया आपका, औसत हो गया आपका 6 आंसर, ये जेएनयू में पूछा गया, जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी में पूछा गया ये सवाल, कब पूछा गया था, 1999 में, 1999 का प्रश्न है ये, ठीक है ना, जेएनवी का। चलिए इसी टाइप का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी ये भी पूछा गया है ना, एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में, जितने भी उसने मैच खेले हैं उसमें से विभिन्न मैचों में, एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13-0-19-17 और 6 रन बनाता है, उसके रनों का मध्यमान या औसत बताओ, हमें क्या बताना है, उसका मध्यमान या औसत हमें बताना है, ठीक है ना, तो औसत का मतलब आप समझते ही,
औसत का मतलब क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग। सभी आंकड़ों को जोड़ लो तो एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, सभी आंकड़ों को जोड़ लो, 13, 19, 17 और 6, सबको जोड़ के 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 का भाग लगा दो तो औसत आ जाएगा, मध्यमान जिसको हम कहते हैं, है ना। चलो 13 और 17, 20, 30, 30, 30 ने 40 ने 50 ने 5, 55 कितना हो गया? 55/5, 5 एकम 5 एकम 11, आंसर आ गया। औसत रन कितने हो गए उसके? 11, उसके रनों का औसत कितना हो गया? 11। चलिए अब अगला प्रश्न, तीन संख्याओं का औसत 7 है, तीन संख्याओं का औसत कितना दिया? तीन संख्याओं का औसत हमें दिया गया है 7, ठीक है ना, तीन संख्याओं का औसत 7 है, करते हैं। चलो ये सवाल भी अपन इंपोर्टेंट सवाल है, तीन संख्याओं का, तीन संख्याओं का औसत 7 है, तीन संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 5 है, यदि पहली, यदि पहली दो संख्याओं का औसत, यदि पहली दो संख्याओं का औसत कितना बताया इसने? 5 है। यदि पहली दो संख्याओं का औसत 5 है तो तीसरी संख्या याद करो, तो तीसरी संख्या बता। ये हमारा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से भी, है ना, परीक्षा की दृष्टि से भी इसे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये भी JNEV जवाहर नवोदय विद्यालय में सन 1998 में पूछा गया है, 1998 में ये पूछ लिया गया है, ठीक है ना, सॉल्व। तो तीन संख्याएं मान लेंगे a+b+c बराबर, तीनों को जोड़ के 3 का भाग लगा दो तो औसत कितना आ गया? देखो औसत का मतलब है तीनों को जोड़ना, 3 का भाग लगाना, तो औसत आ गया कितना? 7। तो यहां से हमने त्रिक गुणा कर लिया, तिरछा गुणा हो जाएगा, है ना। चलो दो देखो बराबर में कितना, 7/1, तिरछा गुणा करा कितना हो गया? a+b+c बराबर 7 / 21, समीकरण बन गई 1। अब ये कहता है कि पहली दो संख्याएं, पहली कौन कौन सी, a और b, तो a और b को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो तो औसत कितना आ गया? 5/1, तिरछा गुणा करो, a+b बराबर 5 × 2 = 10, तो देखो a+b का मान कितना है? a+b का मान 10, और c का तो हमें निकालना है, तो c बराबर कितना हो जाएगा भैया? 10 उधर गया तो माइनस के 10, तो c बराबर कितने हो गए? 11 हुए कि नहीं हुए? उत्तर c का मान आइए, c बराबर 11। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या कहा इन्होंने? सम संख्याएं, सम संख्याएं प्रथम 5 कौन कौन सी हुई बताओ, 5 सम संख्याएं बताओ, 2 कैसी है सम संख्या है, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 होगी 5। तो ये प्रश्न है प्रथम 5 कितनी, प्रथम 5 कौन सी संख्या है? 2 सम संख्या है, जो 2 के पाड़े में आती है सम संख्या कहलाती है, प्रथम 5 सम
संख्याओं, प्रथम पांच सम संख्याओं का क्या ज्ञात करना हमें, प्रथम पांच सम संख्याओं का औसत, का औसत, औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो देखो प्रथम पांच सम संख्याएं कौन कौन सी, पहली तो दो है, दूसरी चार, तीसरी छह, चौथी आठ और पांचवी दस। अब इनका औसत हमें निकालना है, और औसत का मतलब क्या होता है, सभी का जोड़, सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, है ना। औसत देखो, औसत का क्या है सूत्र, सभी संख्याओं का जोड़, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, है ना। तो औसत क्या हो जाएगा बताओ, इन सबको जोड़ो, दो धन चार धन छः, छः धन आठ धन दस, और नीचे वन टू थ्री फोर एंड फाइव, कुल कितने आंकड़े, पांच आंकड़े, है ना, डाटा पांच है। चलो दो और चार छः, छः और छः, छः और छः बारह, और आठ बीस, बीस और दस तीस बटे पांच, पांच से काट दो, कितनी बार कटेगा पांच से तीस, छः बार, औसत कितना आ गया छः, औसत हो गया पांच छंग तीस, औसत छः आ गया, है ना। अब ये हमने क्या निकाला, प्रथम पांच सम, अगर विषम हो तो फिर क्या करेंगे, मान लो सम की जगह अगर वो बोल दे विषम, क्या बोल दे वो, विषम, प्रथम पांच विषम संख्या है, तो बताओ फिर हम कैसे करेंगे, बोलो विषम संख्या है, पहली विषम संख्या एक, दूसरी विषम दो, दो तो सम है, दो तो सम है, पहली एक, दूसरी तीन, फिर पांच, फिर सात, सात, फिर नौ, नौ होगी पांच, एक दो तीन चार पांच, चलो इन पांचों को जोड़ के कर लेते हैं, सूत्र तो यही काम आ जाएगा, एक धन तीन धन पांच धन सात धन नौ, है ना, और एक दो तीन चार पांच, चलो औसत, औसत बराबर एक और तीन चार, चार और पांच नौ, नौ ने एक दस ने छः सोलह, सोलह ने नौ पच्चीस, पच्चीस बटे पांच, तो पांच से कट जाएगा, पचम का औसत कितना हो गया बताओ, औसत बराबर पांच आ गया ना, औसत पांच, औसत कितना है पांच, कठिन सवाल था क्या ये, चलो अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये कहता है आपसे कि सचिन ने ये और गांगुली ने ये किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है। चलिए अगला प्रश्न बहुत बढ़िया तुलनात्मक, तुलनात्मक प्रश्न है सचिन और गांगुली का, है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत तुलनात्मक प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अच्छे लगते हैं सीखने के लिए, बहुत अच्छे लगते हैं। देखो प्रश्न है आपका, सचिन सचिन ने 40 86 120 और 36 रन बनाए, ठीक है, और गांगुली ने 54
चौबीस, 140 व 74 रन बनाए। बताओ किसके रनों का औसत अधिक है? बताओ, बताइए, बनाए, बताओ किसके, किसके रनों का औसत अधिक है? अधिक है, किसके रनों का औसत अधिक है? किसके रनों का औसत अधिक है? तो पहले तो सचिन का औसत ज्ञात करेंगे, सचिन के रनों का औसत ज्ञात करने के बाद में गांगुली के रनों का औसत ज्ञात करेंगे, फिर जिसका ज्यादा आएगा उसका अधिक है, उसका अधिक रन बनाए उसने पर एवरेज के हिसाब से, है ना। चलो, किसके लिए? सचिन के लिए, सचिन के लिए, है ना। सचिन के लिए औसत क्या होगा देखते हैं। इन कितने मैच खेले, 1, 2, 3 एंड 4। पहले मैच में 40 बनाए, दूसरे मैच में 86 रन बनाए, तीसरे में 120 बनाए और चौथे मैच में उसने 36 रन बनाकर आउट हो गया। और 1, 2, 3, 4 मैच उसने खेले। सचिन ने कितने मैच खेले? 4। चलो, अब इन चारों रन, चारों मैच में कुल कितने रन बने, चारों मैच के मिला के कुल कितने हुए? तो देखो, 6 और 6, 12 का 2, 5 से लगा 1, ठीक है ना। 4 और 4, 8, 4 और 8, 12, 12 और 2, 13, 14, 14 और 3, 17, 17 ने 80 का 1, 18, है ना। 80 लगा 1, 1 और 1, 2, और नीचे 4। अब 4 से काट दो, 4 और 7, 28, 2 का भाग नहीं जाता उसकी, 0.0, है ना, मिलगी 0, 4 और 5, 20, तो औसत उसका कितना आ गया? औसत आ गया उसका 70.5, 70.5 है। किसका है? सचिन का। सचिन के रनों का औसत कितना है? 70.5। अब 70.5 सचिन के रनों का औसत, अब हम किसका निकालेंगे? गांगुली का। किसका निकालेंगे? गांगुली के रनों का औसत निकाल लेते हैं, है ना। गांगुली के लिए, गांगुली के लिए, अब गांगुली के लिए देखो औसत क्या है, 54, 54, 24, 140 और 74।